जय हिंद दोस्तों। जय सर। आज मैं मनोज सिंह वाराणसी डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल पर अगेन दोबारा एक YouTube चैनल पर एक वीडियो जारी कर रहा हूं, जो कि अपने ग्राउंड की, जो हम लोग ग्राउंड में वर्क करते हैं, कैसे हमें दौड़ना चाहिए, कैसे नहीं दौड़ना चाहिए, क्या टाइमिंग हमारा आना चाहिए, उसके लिए मैं एक वीडियो जारी कर रहा हूँ। ठीक है, ओके। ध्यान दीजिए, हमारे इस बोर्ड के ऊपर एक SP पॉइंट है और FP पॉइंट है, दो मत लिखे हुए हैं, जिसमें इस SP पॉइंट का मतलब होता है स्टार्टिंग पॉइंट और FP पॉइंट का मतलब होता है फिनिशिंग पॉइंट। 400 मीटर के बीच में, ग्राउंड के बीच में जहां से स्टार्ट किया जाता है वहीं से खत्म किया जाता है, फिनिश किया जाता है। दोस्तों, ये एरो आपका एक, ये बॉयज है जो कि दौड़ने वाले हैं, ये सारे एरो लड़कों का है। टोटल 1600 मीटर आपको रनिंग करना है, चार राउंड मारना है, चार राउंड आप 1600 मीटर क्वालिफाइड कैसे करेंगे आर्मी भर्ती के अंदर, हो सकता है आपके, आप ये लड़के हो सकते हैं, ये हो सकते हैं और ये भी हो सकते हैं। आपको रनिंग के दौरान कुछ पता नहीं कि मैं कहां बैठूंगा, कहां बैठूंगा, क्या कंडीशन होता है, लेकिन आप लोग डरने की जरूरत नहीं है। हो सकता आप यहां बैठे, हो सकता आप यहां भी बैठ सकते हैं, दोनों कंडीशन में। कभी कभी एक लड़का ऐसा आ जाता है जो कभी भी नहीं दौड़ा होता है, लेकिन वो क्या करता है, यहां पर बैठ जाता है। भीड़ ये 200 से 300 लोगों की होती है, जिसमें कम से कम 5 मिनट 440 5 मिनट लास्ट 5 मिनट के अंदर आप लोग क्रॉस करने की कोशिश कीजिए। आपका एक एरो है, ध्यान देना, एसपी से आपका एक एरो चल रहा है, एक एरो, ये वो एरो है जो आपके ग्राउंड के कॉर्नर से निकल रहा है, ध्यान देना, ये आपके ग्राउंड के कॉर्नर से निकल रहा है। और एक एरो ये है, ये एरो नहीं है, ये लड़के हैं, ये लड़के हैं, जो एक लड़का एकदम कॉर्नर से निकल कर चल रहा है और दूसरा लड़का है जो बाहर से निकल कर चल रहा है। ध्यान देना, रनिंग के दौरान फर्स्ट चक्कर तकरीबन आप लोगों को जो टारगेट होना चाहिए 110, कितना 110, 1 मिनट 10 सेकंड का जो टारगेट है ये लेकर आपको चलना है। इसके दौरान बहुत सी भीड़ आएगी, हो सकता है पहला राउंड आप लोगों का 110 में क्लियर ना हो, और होगा भी नहीं, हो सकता है इस भीड़ में। आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको स्टार्ट होते ही इस भीड़ से, यहाँ की भीड़ से आपको निकलने के लिए आप इनके बीच में चलते रहिए। ये वाले लड़के तो बहुत स्पीड से ये क्या करेंगे, यहाँ पे कवर कर लेंगे, लेकिन आप क्या करोगे, इनके बीच में लगातार आप चलते रहिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि भीड़ थोड़ा सा भी फैला है, उसके बाद आप पैर निकालो और इधर निकलने की कोशिश करो, हल्का सा बाहर निकलने की कोशिश करो। जब तक आप बाहर नहीं निकलोगे इस भीड़ से, आप बाहर नहीं हो पाओगे। ध्यान देना, जितना ऊपर आप जाओगे, जितना ऊपर जाओगे उतना ज्यादा आपका मीटर बढ़ेगा, मेहनत आपको ज्यादा करना पड़ेगा, राइट सर। इस दौरान आप लोग जैसे इस भीड़ से निकलते हो, तो यहाँ पे आने के बाद धीरे धीरे आप क्लोज होने की कोशिश करो और एक दूसरे को काटने की कोशिश करो। फर्स्ट राउंड घबराने की जरूरत नहीं है, फर्स्ट राउंड का जो सिलेबस है आपका, बस धैर्य रखो, लगातार स्टेप टू स्टेप आप चलते रहो। यहां से यहां आते वक्त आप देखना 30% जनता क्या होती है, लड़के क्या होते हैं, थक जाते हैं, कुछ बाहर हो जाते हैं, आपको प्रॉपर आपका मौका मिल जाएगा। इसके दौरान देखना, फर्स्ट वाला लड़का यहां आने की कोशिश करेगा और आप यहां रहेंगे, आप यहां रहेंगे और फर्स्ट वाला लड़का खींच कर यहां आ जाएगा, फिर भी आप हिम्मत नहीं हारना, हिम्मत नहीं हारना। उसकी क्या कैपेसिटी है, क्या कैपेसिटी नहीं है, हो सकता है कि एक राउंड दो राउंड के बाद आपको वो बैठा मिले। आपको हमेशा अगले वाले ग्रुप के 50 लड़कों को, अगले ग्रुप के 50 लड़कों को कम से कम लेकर साथ में चलना है। आप पीछे 200 के हो फिर भी निकल कर आप 50 के ग्रुप में चलते रहिए। आप जैसे ही आगे चलेंगे कोई ना कोई लड़का आपसे कटता फिरता रहेगा, आप उसको रिड्यूस करते रहो। कोशिश करो कि पहला राउंड आप 110 के अंदर फिनिश करने की कोशिश करो। सेकेंड राउंड में जैसे ही आप आओगे, आप पूरी तरह क्या हो जाओगे, हाफ जाओगे, आपसे भी चला नहीं जाएगा, आपका 10-5 सेकेंड एक्स्ट्रा लगेगा। आप उसी बरकरार, मतलब उसी सिस्टम को, उसी स्पीड को क्या करो, दूसरे राउंड में भी बरकरार रखो। एक राउंड हर आदमी, जो कोई भी दौड़ने वाला धावक है, हर धावक पहले राउंड के अंदर कहीं ना कहीं वो सांस उसका फूल जाता है, सबकी कंडीशन एक जैसी रहती है। उस कंडीशन के अंदर जो लड़का सिर्फ धैर्य रखकर स्टेप टू स्टेप चलता रहता है, वो चौथे राउंड तक क्या करता है, पहुंचता है। दोस्तों ध्यान देना, थर्ड राउंड जैसे आपका स्टार्ट होगा, कम से कम 60% लड़के
आपके बहुत ज्यादा पीछे हो जाएंगे। वो रीजन होगा आपके धैर्य की वजह से। जितना आप स्टेमिना ग्राउंड के अंदर बना रखे हो, जितना धैर्य आप साथ कर रखे हो, उसकी वजह से आपको वो बेनिफिट मिलेगा जो आपने ग्राउंड में किया है। थर्ड राउंड जैसे ही आपका स्टार्ट होता है, ध्यान देना, हर आदमी थका मिलेगा आपको, चाहे वो लड़का आगे है चाहे पीछे। आपका काम है, अगर बहुत ज्यादा लड़का आगे जा चुका है उसको छोड़ देना है। बहुत ज्यादा लड़का आगे जा चुका है, 150 मीटर दे चुका है, उसको छोड़ दो। टॉप 50 थर्ड राउंड में, टॉप 50 40 के बीच में अपना जगह बनाओ, 30 और 40 के बीच में अपने जगह बनाओ, उनके साथ चलने की कोशिश करो। जैसे ही तीसरा राउंड आप फिनिश करते हैं, चौथे राउंड में जैसे आप एंट्री लेते हैं, ध्यान देना हर आदमी एक दूसरे को काटने के चक्कर में रहेगा। जैसे ही आप एक स्टेप दो स्टेप आप फास्ट करते हैं, उसी टाइम पे 2 से 4 आदमी हर एक 2 कदम के बाद आपका कटेगा। हर आपके फास्ट स्टेप पे 2-4 आदमी कटेगा। अगर नहीं कट पा रहा है तो आपके साथ वो लगातार दौड़ने की भी कोशिश करेगा, लेकिन वो दौड़ नहीं पाएगा क्योंकि वो भी थक चुका है और आप भी थक चुके हो। एक लड़का जब लास्ट के चौथे राउंड में, एज योर कैपेसिटी जिसमें है, आपकी जितनी कैपेसिटी बची है इन मिनटों के हिसाब से, आपकी लास्ट कैपेसिटी आप समझ लीजिए कि कुछ भी हो सकता है। लेकिन ये ध्यान देना, आप टॉप 40 में हो और चौथे राउंड में चल रहे हो, आपने सिस्टम को बरकरार रखा तो आपको कोई रनिंग से बाहर नहीं कर सकता, ये कंफर्म है। क्योंकि इंडियन आर्मी के रनिंग में कोई एक लड़का नहीं लिया जाता है, मिनिमम 30-15-20-25 का एक ग्रुप जाता है। कहीं फर्स्ट ग्रुप के अंदर 4-6 लड़के लिए जाते हैं, हो सकता है सेकेंड ग्रुप के अंदर 30-35-40 लड़का लिया जाए। ओके, तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इतने में ही क्लोज करने की कोशिश करूंगा। ये वर्कआउट वाराणसी डिफेंस एकेडमी के ग्राउंड में फाइनल सोमवार को किया जाता है। ध्यान देना, इसी तरीके के ट्रिक से आप लोगों को रनिंग करना है और स्टेमिना बनाना है। लास्ट राउंड आपके स्टेमिना के ऊपर डिपेंड करता है टोटल, उसको आपको बनाना है। और मेरे वीडियो बनाने का यही मतलब था कि कैसे दीवारों के ऊपर आप गलती करोगे तो क्या करोगे, क्यों नहीं करोगे, ये सारी चीजों को डू और डोंट्स यहीं पर मिलेगा आपको, इसको ध्यान रखना। ओके, धन्यवाद।